या सेंसिटिव लोगों के लिए नहीं है। तुमने क्या समझा है? गाइस, आज है 12th of August और आज आज मैं इसलिए ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा कि मैं हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन हो गया था और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से रिलीज़ किया, मैं घर आ गई। मैंने ब्लॉग नहीं किया, इनफैक्ट मैं नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉज़ नॉट इन दैट कंडीशन। और मैं आप लोगों को मैं और ज़्यादा दुख नहीं देना चाहती थी क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों के बहुत सारे DMs वगैरह आने लगे थे, तो आई वॉज़ लाइक मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि आप और ज़्यादा पेन यू नो देखो, बिकॉज हमारे चैनल का मोटो ही है कि हम हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। बट जस्ट बिकॉज आप सब मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हो चुके हो लाइक अ स्मॉल फैमिली, दैट्स वाई आई कीप शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू गाइज। बट एनी विच वे, क्विक अपडेट, आज मेरा ये जो स्टिचेस है आप देख रहे हो, बैंडेज है एक्चुअली, तो ये आज हम निकालने जाने वाले हैं। और कल था राखी, तो मेरा ये सिचुएशन की वजह से मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, बट पता नहीं मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया है कि नहीं, बट उन लोगों ने कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया, छोटा सा एक सेलिब्रेशन हुआ। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा कल के फ्लैशबैक में ले जाके दिखाती हूँ कि कल हमने कैसे राखी सेलिब्रेट किया, उसके बाद फिर आके मैं आपको आगे का बताती हूँ, ठीक है? चलो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अभी कर रहे हैं रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे नील को, नील की बहन, राखी बांधने के लिए रेडी हो रही है और ये हो रहा रक्षाबंधन। और ये बना है थाली मिठाई का, अभी आ रहा है वो इनक्रेडिबल मोमेंट। हैप्पी राखी। खाया नहीं नील ने खाया नहीं। गेम क्या है तुम्हारा? बस टच किया। तुमने क्या समझा है? और ये आ गया इसका गिफ्ट। थैंक यू। ओके, सो ये गिफ्ट आप लोगों ने देखा था हमारे पिछले वीडियो में और यही है वो गिफ्ट जो हमने खरीदा था। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। वाओ। ओके, थैंक यू, वेलकम। ओके, अभी ये मिठाई कौन खाएगा? चलो, मैं तो खा नहीं सकती, मेरा ऑपरेशन हुआ है गाइस, तो यही लोग खाएंगे। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि कल हमने राखी सेलिब्रेशन किया और अभी मेरी सिस्टर इन लॉ सुबह सुबह उठ के बैठी हुई है। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तुरंत वो सो रही थी और फिर तुरंत वो स्माइलिंग वाला फेस लेके बैठ गई ताकि कैमरा पे उसका सोता हुआ चेहरा ना दिखे। और अभी वो रेडी होके इसलिए बैठी है क्योंकि हम अभी इसको घर ड्रॉप करने वाले हैं और उसके बाद हम जाएंगे, मतलब घर नहीं, उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाले हैं, उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल वहाँ से। तो ये आज अपने घर वापस जा रही है, ट्रैवल कर रही है एंड बहुत सैड माहौल बना हुआ है अभी, तो शायद मैं एक सैड म्यूज़िक भी अगर मिला मुझे तो इस मोमेंट में विदाई वाला म्यूज़िक ऐड कर दूँगी। तो ठीक है, चलो देखते हैं। Good. All right guys, तो मेरे stitches निकल चुके हैं, ये देख लो। पहले ही बता देती हूँ ये sensitive लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रही हूँ और मैं क्या करूँगी ना, मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये जो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, कब आपको डॉक्टर का हेल्प सीख करना चाहिए, कब आप आइडेंटिफाई करोगे ये,
वो शेयर करूंगी, मेरा एंटायर जर्नी एक सिंगल वीडियो में मैं शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि कब कैसे क्या हेल्प सीख करना चाहिए, ताकि आप भी इसको अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए डॉक्टर ने कहा है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अभी जाके मैं नहा सकती हूँ, शैम्पू कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो चलो मिलते हैं बाद में।